बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीजी क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे। चलें फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबने उर्दू की कलियाँ बुक ओपन कर लेना है। उर्दू की कलियाँ बुक का आप सबने पेज नंबर 80 ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप सबने मैचिंग करनी है। मैचिंग कैसे करनी है? फर्स्ट रो के वर्ड्स को सेकेंड रो के वर्ड्स के साथ मैच करना है, यानी फर्स्ट और सेकेंड रो के दरमियान में आप सबने लाइन्स ड्रॉ कर देनी है एक जैसे अल्फाज के दरमियान में। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ऐन। सेकंड रो में देखिए, फर्स्ट नंबर पर इसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट है और उसके ऊपर एक डॉट भी है, लिहाजा ये ऐन नहीं है। अब सेकंड नंबर पर देखें, इसकी शेप बिल्कुल ऐन जैसी है और इसके ऊपर कोई नुक्ता भी नहीं है, लिहाजा ये मैच हो गया। इसे मैच कर देते हैं। अब फर्स्ट रो में देखें, सेकेंड नंबर पर इसे हम क्या पढ़ते हैं? गैन। सेकेंड रो में देखें, इसकी शेप गैन से बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी शेप भी बिल्कुल डिफरेंट है, ये गैन जैसा है, इसके ऊपर एक नुक्ता भी है और इसकी शेप भी है गैन जैसी। चलें अब इसको मैच कर देते हैं। फर्स्ट रो में देखें, थर्ड नंबर पर इसे हम क्या पढ़ते हैं? काफ। सेकेंड रो में देखें, इसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी शेप भी बिल्कुल डिफरेंट है काफ से, और इसकी शेप भी बिल्कुल डिफरेंट है काफ से। लास्ट नंबर पर देखें, इसकी शेप बिल्कुल काफ जैसी है, लिहाजा ये मैच हो गया और इसके ऊपर दो नुक्ते भी हैं। इसको मैच कर देते हैं। फर्स्ट रो में देखें, इसे हम क्या पढ़ते हैं? फे। सेकंड रो में देखें, फर्स्ट नंबर पर इसकी शेप बिल्कुल फे जैसी है और इसके ऊपर एक नुक्ता भी है, इसको भी मैच कर देते हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं? काफ। सेकंड रो में देखें, थर्ड नंबर पर इसकी शेप बिल्कुल काफ जैसी है, इसे भी मैच कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं इनके दरमियान में। इसे हम क्या पढ़ते हैं? गाफ। सेकंड रो में देखें, इसकी शेप बिल्कुल गाफ जैसी है, इसे भी मैच कर देते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।